अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिशी वसन फ्रॉम एमडी कैट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं जो केएमयू का पेपर देने जा रहे हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो इसलिए आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कशन बताई जाएगी कि आपने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और कौन से इंस्ट्रक्शन का आपने एहतियात करना है और कौन से आइटम्स लेकर जाने हैं। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कम्प्लीट आपको गाइड किया जाएगा। आपने ऊपर गूगल पर आकर सर्च करना है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी या केएमयू, तो आपको यहाँ शो हो जाएगा सर्च रोल नंबर बाय सीएनएसई, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टैब जैसे ही ओपन होगा आपको ये मिल जाएगा कि आपने अपना क्या करना है, यहाँ एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आना होगा सर्च रोल नंबर बाय सीएनएसई, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे इधर आपके पास ऑप्शन है सर्च बाय सीएनएसई, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने अपने इंटर रिक्वायर्ड नंबर जो आपका सीएनएसई नंबर है आपने वो पुट करना है, और उसके बाद आपने कैप्चा जो है ना वो आपके पास इनसेंसिटिव कोड जो होता है वो आपने पुट करना है जो आपका ये लिखा हुआ है, तो आपने ये भी एहतियात से फिल करना है। इसके बाद आपने सर्च करना है, सर्च करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा। आपने डाउनलोड करके इसको अपने पास अपने रख लेना है और इसका क्या करना है, आपने इसका कलर्ड प्रिंट निकलवा लेना है। कलर्ड प्रिंट निकलवा कर ए फोर साइज पेज होना चाहिए, इसको प्रिंट निकलवा कर अपने पास रख लेना है। और इसके साथ साथ आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया है कि हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, रीच द सेंटर एट 7:30 AM, प्लीज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, BRT, नो पार्किंग अलाउड। इसके साथ मोबाइल सिग्नल वुड नॉट वर्क, सो डू नॉट ब्रिंग मोबाइल्स आर एनी गैजेट्स टू द सेंटर। इसके बाद नंबर 5 उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, नो नीड टू ब्रिंग रफ पेपर, पेन आर क्लिप बोर्ड, इट विल बी प्रोवाइडेड ऑन स्पॉट टू ईच कैंडिडेट। आपको पेन, आपको बॉल पॉइंट जो है ना वो इसके साथ साथ क्लिपबोर्ड और इसके साथ साथ रफ पेपर वो आपको खुद ही उधर प्रोवाइड करेंगे। कम एम्प्टी हैंड्स एम्प्टी पॉकेट्स, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, जस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बाकी क्लिपबोर्ड हो गया, आपके पास बॉल पॉइंट होंगे वो आपको खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले खुद ही प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद वो है ब्रिंग योर एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप, पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ऑन द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी फोटो होनी चाहिए। तो जिसके पास ये NHOP CNSE कार्ड और फॉर्म भी ये नहीं है, बे फॉर्म नहीं है, तो उसको टेस्ट सेंटर के अंदर नहीं बैठने दीजिएगा। और जिसके पास बे फॉर्म है तो उसको भी चाहिए कि वो अपनी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट कराने के लिए तो अपने क्या ले जाएँ, ऐसा अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएँ, जैसे कि आपके मैट्रिक की रिजल्ट शीट होगी या FSC की पार्ट 1 की रिजल्ट शीट होगी, आपने वो लेके जानी है जिसके ऊपर आपकी पिक लगी हुई हो। तो आपने जिसके पास बे फॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है, तो उन्होंने क्या लेके जानी है, अपना बे फॉर्म के साथ साथ अपनी एक ऐसी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जानी है मैट्रिक की हो या FSC की हो जिसके ऊपर आपकी पिक लगी हो, ताकि वो आपको कोई प्रॉब्लम ना बन सके, उधर आपको डिले ना करा सके, ये ना वो आपको पेपर ही देने ना दिया जाए। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और वाटर बोटल, जूस, बिस्किट एंड नैपकिन शैल बी गिवन टू ई कैंडिडेट, वहाँ आपको पानी भी मिलेगा, जूस भी मिलेगा और बिस्किट भी मिलेगा, और उसके साथ नैपकिन शैल बी गिवन टू ई कैंडिडेट। नीचे आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपने सारे इंस्ट्रक्शन एक बार रीड आउट कर लेनी है। आपके पास उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका 7 बजे एग्जाम सेंटर खुल जाएगा और 9:30 बजे आपका एग्जाम सेंटर बंद हो जाएगा, और आपका 10 बजे पेपर स्टार्ट होगा, 1:30 बजे आपका पेपर एंड हो जाएगा। इसके दौरान आपने कोई भी जो प्रोहिबिटेड आइटम्स है वो नहीं लेके जाने, लेट्स सपोज आपने कैलकुलेटर लेकर जाने हैं, ना आपने कोई ऐसा मटेरियल लेके जाने जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, स्मार्ट वॉच होगी, डिजिटल वॉच होगी, या कोई ब्लूटूथ डिवाइस, ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाने। आपने इसको अपना खुद ही शफाफ बनाने इस एग्ज़ाम को, तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो आपने ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, ये आपके लिए बेहतर है, आप इसको सारा कंप्लीट रीड आउट कर लें। तो अल्लाह के साथ आपके लिए बेहतरियां करें, अपना रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करें और अपने आप को 22 सितंबर के दिन के लिए तैयार करें। अल्लाह के साथ आपके लिए बहुत सारी बेहतरियां, बहुत सारी नवाजशें, बहुत सारी इनायतें करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।